मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में एक युवक ने एक सिक्योरिटी गार्ड पर सलिया से वार किया। यह मामला गोरेगांव के आरे पुलिस स्टेशन में दर्ज है। ऐसा कहा गया है कि जिस लड़के ने सिक्योरिटी गार्ड को मारा, उस सिक्योरिटी गार्ड पर 302 के तहत पहले से ही मामला दर्ज है और वह जेल से फरार था। पुलिस इस सिक्योरिटी गार्ड को पहले से ही ढूंढ रही थी। गार्ड पर आरोप था कि इस गार्ड ने इस लड़के को बेरहमी से मारा था और इसके माता पिता ने भी इसके खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की थी, लेकिन वो पुलिस के गिरफ्त से फरार था। अब जूनियर आर्टिस्ट के वजह से यह गुनहगार अब पुलिस के हिरासत में है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए जुट चुकी है। खून खराबा नहीं हुआ, उसने पहले खून बहाया था हमारे वर्कर का, संदेश मालोनी करके उसका नाम है, उसके ऊपर अटैक किया था, उसको थाना में फेंक दिया था मार के। तो आज वो 10 महीने के बाद आज मिला है और वो चौकी में उसके ऊपर कंप्लेंट है 307 का। वो आज जाके मिला तो उसने देखा तो उसको जब लगा है तो उसने भी उसका भी तो दिल दुख के आज उसने भी मारना चालू कर दिया। उसका हिसाब किताब बराबर गया, उसको अभी चौकी लेके गए, वहाँ से वो देखेंगे। अभी आरे कॉलोनी चौकी लेके गए।